अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन टेंडर पॉप्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लेकर उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर दी थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका। अब यहाँ पर मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, आप चाहें तो ज़्यादा देर या ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब इधर मैंने दूसरे बाउल में लिया हुआ है 1.5 कप मैदा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें बस थोड़ा सा ही डालना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन की आप 10-12 करके थोड़ी थोड़ी बोटियाँ ही डालिएगा, वरना फिर वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और ख़राब हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पर मैं चिकन की अच्छे से कोटिंग कर रही हूँ। कोटिंग करने के बाद अब मैं चिकन को इस पानी में डिप कर दूंगी। पानी मैंने ठंडा लिया हुआ है और आप इसमें बर्फ़ भी देख सकते हैं। आप फ्रिज वाला ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप एक बर्तन में पानी भर के आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखते हैं। पानी में डिप करने के बाद अब मैं यहाँ पे दोबारा से चिकन की कोटिंग कर रही हूँ अच्छे से। कोटिंग के बाद मैंने सारे यहाँ पे टेंडर पॉप्स बना के रख दिए हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई उतने तेल में करना है जिसमें ये पूरे के पूरे डूब जाए। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलना क्योंकि फिर ये जल जाएंगे। और इनमें अभी चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ी देर के बाद जब इस पे लेयर्स थोड़ी सी बन जाए तो उसके बाद आप इस पे चम्मच चला सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, इसमें चम्मच नहीं डाला था, तो इनकी कोटिंग कितनी अच्छी आई है। अब इनको मैं फ्राई करूँगी जब तक कि ये अंदर से पक जाए चिकन। अब यहाँ पे टेंडर पॉप्स बन के तैयार हैं, तो मैं इनको डिश आउट कर दूँगी। और आप चाहें तो इनकी कोटिंग करके इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास लाइट जाने का ज़्यादा इशू नहीं है तो ये 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।